मम्मी के साथ आंटी संभाल के इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि माँ बाप के सामने इतनी अचीवमेंट्स हो सके हैं. आई थिंक इट्स बीन अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. आई वाज ऑलवेज वांटेड टू मेक देम प्राउड. और आज जब वो हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे रिएक्ट करूँ ऑनेस्टली. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आज आपके बेटे के सामने कितने सामने कैमरे और समझा था कि कुछ ना कुछ आगे बनेगा और हमें प्राउड फील कराएगा और हम थैंक यू. बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है. अच्छा अपना है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है. ये और आगे बढ़े और ऐसे ही प्यार ये लोगों को भी देता रहे और लोगों से भी देता रहे. ये दिस हैज टू गो टुगेदर. यू हैव टू गेट एंड गिव. सो ही इज गिविंग एंड यू गेट. यस, यू विल गेट. इफ यू गिव ओनली यू विल गेट, अदरवाइज यू वॉन्ट. माशाल्लाह कहना चाहेंगे. और अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखो लोगों तक पहुंचेगा तो और ज़्यादा प्यार मिलेगा. बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग बहुत. जो हमने मेहनत की थी सारी वीडियो में, ऑडियो में, सब चीज़ों में, तो उस चीज़ों को सराह रहे हैं लोग, तो अच्छा ही लगता है बहुत. तो गुड फीलिंग. मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए हमेशा वो छोटा ही रहता है. तो ये बताइए कि ऐसी कौन सी शरारत है जो अभी भी इनके अंदर है. बहुत सारी अभी तक बाकी है थोड़ी बहुत. क्या मतलब? बहुत पहले तो ज्यादा थी, अब थोड़ा कम है, फिर भी है. मॉम के अभी मैं बताता हूँ, मॉम की कि मैं जो वो कहती है वो करता नहीं हूँ. हाँ, तो मॉम बचपन में ये चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के एमबीए वाला हूँ, दूर फ्रेंड के ऑफिस जाऊँ. तो मैं डॉक्टर बोली तो ये एक्टर बन गया बस. तो उसके बाद कई चीजें ऐसी होती रही, आज तक भी होती है कि मेरी मम्मी कहती है कुछ फेस पैक बना लेती हूँ कभी घर पे कितनी लगा ले. और मुझे पता नहीं लगा, मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पे वो अजीब सा लगता है. तो आई थिंक शी स्टिल दैट मॉम टू मी, हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट फ्रॉम माय चाइल्डहुड टिल नाउ. दैट विल नेवर चेंज. माँ तो ऐसी होती है. लास्ट क्वेश्चन गाइस. जी थैंक यू. अरे अरे रुक जाओ, अरे ऑन द वे. ये कैमरा इधर 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 ये साइड इधर देखिए ना इधर. यश 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 बोलो. मैम सबसे पहले बोल दूं कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. एंड सेकंड चीज, आप क्या बोलना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? सबसे पहले तो जिसने प्रोड्यूस किया है वो एक 22 ईयर ओल्ड लड़की है. सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर. इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल ऑफ अस. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिबा फमान. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव मेट बोथ ऑफ देम. वेरी स्वीट, वेरी टैलेंटेड. एंड मुझे पता चला है ये गाने का जो कॉन्सेप्ट है, आई रियली लव दैट कॉन्सेप्ट, लव दिस कॉन्सेप्ट. एंड आई थिंक मुझे नहीं पता था कि इतनी अवेयरनेस आ जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में कि म्यूज़िक वीडियो में भी ये टॉपिक उठाया जाएगा. इट्स अबाउट एंग्जाइटी एंड फमान प्लेइंग द कैरेक्टर, ही ब्रिंग्स हर आउट ऑफ दैट. एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ और एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, ये सब बहुत कॉमन है और हमें इस बारे में ध्यान देना चाहिए. ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई सिंपैथी या इसका कोई ट्रिक नहीं होता. ये बहुत कॉमन है स्पेशली विद दिस फास्ट पेस्ड लाइफ. आई थिंक मैं थोड़ा बहुत डिक्लेयर कर ही देती हूँ, आई एम नॉट अ प्रॉपर पेशेंट और समथिंग, बट देर आर टाइम्स व्हेन इवन आई फील एंग्शियस. तो ये बात सुन के, ये बात पता जब से मुझे चली है, मैं एकदम यू नो टच्ड हो गई हूँ कि इस पे म्यूज़िक वीडियो बनाए. And lots and lots and lots of love to the whole team, to Fama, to Hiba, and to the girl. Thank you so much. Can I tell you, this is the last time you have to bond with Fama.
अभी आप लोगों का कौन कैसा है? आई थिंक जितना आप मेरे फैंस जानते हैं या फिर इंटरव्यूज या वीडियोज से देखा होगा कि मैं इजीली इतना जलअप नहीं होती लोगों से, पर फामान की पर्सनालिटी ऐसी है, हिबा की भी पर्सनालिटी ऐसी है, बस मैं एक ही बार मिली हूँ, सिर्फ बातचीत भी नहीं हुई है। फामान की पर्सनालिटी ऐसी है कि यू नो ही मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल, इट फील्स लाइक यू नो हिम सिंस फॉरएवर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर, लाइक वन कॉल एंड आई एम हियर, एंड ही इज अ वेरी स्वीट गाय, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी 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 टैलेंटेड, एंड हिबा टू। हेलो, नमस्ते। Any questions or should I just? Yeah, sure, I'll start. I'm feeling a lot of things right now. Actually, मैंने लॉन्च से पहले गाना सुना हुआ था, वीडियो भी देखा हुआ था, बट आज जो एक्सपीरियंस था बहुत यूनिक था। हम लोग घर पे बैठ के टीवी पे देख रहे थे वीडियो, एंड आई एक्चुअली सॉ माय मॉम क्लैपिंग, एंड मेरी भाई साफ सफाई कर रही थी, वो भी रुक गई वीडियो देखते देखते, एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी द ग्रोथ, द जर्नी दैट फामान हैज हैड। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटिफुल वीडियो, वीडियो देख के ऐसा एक म्यूजिकल सा प्यारा सा जर्नी लगा, इतना स्मूथली बनाया गया, इतना क्लासी है। और उसके शूट के पहले दिन हम जो बात कर रहे थे, उसने मुझे वर्ड टू वर्ड बताया था कि वो फ्रेम बाय फ्रेम कैसे शूट करने वाला है गाना प्ले करके, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट ही एक्चुअली मैनेज्ड टू एग्जीक्यूट दैट इन रियलिटी, जो बहुत रेयरली होता है। हम जो प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है, सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी, अ लॉट ऑफ विजन एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड आई थिंक फामान इज अ कम्प्लीट पैकेज इन दैट सेंस। आई थिंक ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट, एंड I'm so happy and I'm so proud of him that he has actually pulled through and made such a beautiful video. And Tabish ke bare mein main kya hi bolu, uske jitne bhi gaane sune hai wo hamesha mere playlist mein hote hai. I think there are so many times that I start my day with his music because uski aawaz mein kuch aur hi, I've never heard a voice like Tabish, and वो भले इतना बातें करके मुझे कभी कभी परेशान करता है, लेकिन उसकी आवाज़ उतनी ही प्यारी है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हिम। आई थिंक द टैलेंट दैट ही हैज़, आई नो वो एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही नोन आवाज़ बहुत जल्द बनेगा, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। I loved it. My mom, my dad, we all, whoever I watched the video with me, I think our instant reaction was they look so cute on screen. They were looking great. Everything about the video was beautiful, and yeah, the couple looked great actually. Har ek shot mein wo log bahut pyare lag rahe the. And I think that's the sign of good actors. वो जब भी किसी के भी साथ काम करते हैं उनकी केमिस्ट्री बनी जाती है, तो आई थिंक विद एक्टर्स लाइक फामान एंड हिबा, वो किसी के भी साथ काम करेंगे तो उनकी केमिस्ट्री उठ के आएगी, एंड देम बीइंग फैंटास्टिक एक्टर्स इंडिविजुअली, आई थिंक टुगेदर दे आर लुकिंग वंडरफुल ऑन स्क्रीन। थैंक यू, थैंक यू। सिमरन जी वेलकम, हमारी प्यारी मधुता आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में? मैं कहना चाहती हूँ दैट आई हर्ड द सॉन्ग एंड द सॉन्ग इज अमेजिंग, इट्स सच अ स्वीट रोमांटिक नंबर, एंड बोथ ऑफ देम आर लुकिंग अमेजिंग, द सॉन्ग इज अमेजिंग, इट आई थिंक टचेस द राइट कॉर्ड्स ऑफ द ऑडियंस, सो एज अ ऑडियंस इट्स वेरी नाइस टू वॉच द सॉन्ग। ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू रहमान, बिकॉज ही इज एक्टेड इन द सॉन्ग, ही इज ऑल्सो डायरेक्टेड इट,
So I think these are two very great qualities to for one person to have. So big, big congratulations to him. Simranjit. ओके सो आई थिंक मैंने इस गाने का हिस्सा काफ़ी वक्त से रही हूँ, इवन बिफोर द फर्स्ट स्क्रैच केम आउट. तो मैंने इसकी ग्रोथ देखी है और मुझे बहुत खूबसूरत लगा था इन द फर्स्ट गो ओनली. इनफैक्ट मैंने फमान को बोला भी था, ऐसे देखना तेरा ये गाना रेज होगा कि बी अ हिट. And I think I was right in saying that because it's fantastic. And it's I think he's directing it as yeah, well. Yeah, he's directing it on the show. For an actor, it is a wonderful feeling to direct your own song. Yeah. Wo pressure hi alag hai. So I'm sure he must have taken that step, yeah. that cut. You know, so I always say that ladka apna kamal hai, actor bemisal hai, aur director bhi dhamal hai. Iske usne paise nahi diye mujhe, main genuinely bol rahi hu. मुझे ना ऐसा लगता है फामान एज एन एक्टर, आई एम रियली नॉट प्रेजिंग हिम बिकॉज वो मेरा दोस्त है एंड वी आर वर्किंग टुगेदर. आई जेन्युइनली फील ना कि वो एक ऐसा बंदा है ना जिसकी केमिस्ट्री किसी के साथ भी बन सकती है बिकॉज ही इज गॉट समथिंग समथिंग अबाउट हिज आईज, जैसे हम रणबीर कपूर के लिए बोलते हैं, आई फील आई सी दैट इन हिम. ही इज द इंटेंस एक्टर ऑफ टेलीविजन. एंड जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे व्हाटएवर वी आर वेयरिंग कि मेरे स्माइल से नीचे तो नजर जाती नहीं, फामान की आंखों से नीचे ही मुझे लगता नजर नहीं जाती. So I'm saying this in front of my husband, so I genuinely mean it. Wow, it's amazing. I think sometimes you know, you're just born with that blessing from upar wala ki aap jis cheez pe haath rakhte ho wo sona ho jati hai. So I'm glad and happy that he's seeing this success in his life. We are wishing him all the very best. All the best. Aur train kare. Wo to karega hi. Ladka apna kamal hai. मुझे इस गाने की शुरुआत बहुत पसंद है. इनफैक्ट मैंने ऐसे सोचा था कि मैं इस गाने को रिक्रिएट करूंगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां मैं अपने बच्चों के लिए ये गाना गा रही हूँ कि पहचान में ही ना आ रहा मैं, जिन रंगों से तूने सजा दिया. सो आई थिंक आई वांट टू पोर्ट्रे माय किड्स कि मैं अपनी जिंदगी उनके बिना इमेजिन नहीं कर सकती. तो ये गाने ने मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, सो आई लाइक दैट. अच्छे अच्छे समय पे ऐसी ऐसी बातें नहीं करते ना जिसमें दिल दुख जाए और टूट के हाथ में आ जाए और आपको टुकड़े टुकड़े भी दिख जाए. सो यस, इट इज वेरी सैड कि इट्स गोइंग ऑफ एयर, बट ये सुन के अच्छा लगा कि बजट हाई था इसलिए बंद हो रहा है. कि एक चीज बंद होती है तो दूसरी चीज शुरू होती है. बहुत जल्दी बंद होगी ना, बट इट्स ओके. हर एक शो की एक डेस्टिनी होती है एंड डेस्टिनी के अगेंस्ट तो आप जा ही नहीं सकते, कोई भी नहीं जा सकता हम में से. आज बी पॉजिटिव की गोली खा के निकले. Thank you, guys. Thank you. I'm ready. Thank you.